बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अराजी फरोख्त के हवाले से सबूत फराहम करने में नाकाम रहे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में तफ्तीशी ऑफिसर का इंकशाफ। कहा अराजी जुल्फी बुखारी के जरिए अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को मुंतकिल की गई। बदनीयती पर मबनी नोट को बंद लिफाफे में काबीना में पेश और मंजूरी के लिए इसरार किया गया। ट्रस्ट डीट पर मुतलका वजारतों की राय भी नहीं ली गई। लापता अफराद के हवाले से वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। वफाकी काबीना ने मिसिंग पर्सन के अहले खाना को 50 लाख रुपए और कानूनी मुआवनत की फराहमी की मंजूरी दे दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का खसूसी कमेटी के क्याम का भी ऐलान। कहा यह सपोर्ट पैकेज मुआवजा नहीं होगा। इस्माइल हनिया के बहिमाना कत्ल और इसराइली जारहत के खिलाफ कौमी असम्बली में मुतफिका करारदाद मंजूर। वजीर आजम का जज्बाती खिताब। कहा आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अशकबार है। इसराइल ने गजा में 40,000 से ज्यादा मासूमों को शहीद कर दिया। बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी। वफाकी काबीना इजलास में भी फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। और लाहौर में मारूफ निजी अस्पताल के मालिक और रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर शाहिद सदीक को कत्ल कर दिया गया। मकतूल को नमाज जुमा की अदायगी के बाद मस्जिद के बाहर निशाना बनाया गया। आईजी पंजाब ने नोटिस ले लिया। डीआईजी ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब।